हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार। आज के वीडियो में हमने तैयार किया है हरियाणा पुलिस से संबंधित क्वेश्चंस, जो अक्सर पूछे जाते हैं। हमने इसमें मोस्ट क्वेश्चंस तैयार किए हैं। इसमें से लगभग 50% क्वेश्चंस आने की संभावना है। माय फर्स्ट क्वेश्चन है, सौर परिवार में कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है? तो दोस्तों, वो है वरुण। बुध ने अपने प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? तो दोस्तों, बुध ने अपने प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे। सबसे कम आयु में भारत रत्न पाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों, वो है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों, वो है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज कब व कहाँ लागू किया गया? तो दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज सन 1959 में राजस्थान में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर टेहरी जल विद्युत सकल स्थित है? तो दोस्तों, ये है भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? तो वो पहला विदेशी शासक था साइक्लेक्स, यानी कि 529 ईसा पूर्व फारसी का था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह ने किया था। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो दोस्तों, प्रथम एशियाई खेल दिल्ली में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों, ये है NH-7। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक उपचार की भाषा में ABC में बी किसके लिए है? तो दोस्तों, बी है ब्रीदिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइस पैक का अधिकतम कितने देर तक प्रयोग किया जा सकता है? यानी कि दोस्तों, जो बर्फ़ होती है, अगर चोट लग जाए तो बर्फ़ का सेक कितनी देर तक किया जाता है? वो है 20 मिनट तक। हरियाणा में पहला डिपो कहाँ व कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, ये 1 नवंबर 1966 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है 70,934 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलियर नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो दोस्तों, वो है रोहतक जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों, वो थे श्री धर्मवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? दोस्तों, हरियाणा के गुड़गांव जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में कुल कितने गांव हैं? तो दोस्तों, हरियाणा राज्य में कुल हैं 6,841 गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को प्रशासनिक सुविधा के लिए कितने मंडलों में बांटा गया है? तो दोस्तों, हरियाणा को प्रशासनिक सुविधा के लिए 4 मंडलों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है? तो दोस्तों, हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र था दैनिक हरिभूमि। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो दोस्तों, हरियाणा में 24 विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बड़े परिवहन बस डिपो कितने हैं? तो दोस्तों, ये है 18। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में मैगनीज पाया जाता है? तो दोस्तों, वो है महेंद्रगढ़ जिला, यानी कि महेंद्रगढ़ जिले में मैगनीज पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो दोस्तों भारत में दादा भाई नारोजी को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम कब पास हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 1976 में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में पागल बादशाह किसे कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास में मोहम्मद तुगलक को पागल बादशाह की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमी बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो दोस्तों भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो वो है दोस्तों कानपुर। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वो है दोस्तों कोसी नदी को। नेक्स्ट है, खुजराहो का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों खुजराहो का प्रसिद्ध मंदिर है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों गुब्बारों में हीलियम गैस प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? तो दोस्तों बिजली के बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी धातु है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? तो दोस्तों वो है आर्सेनिक धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DTP का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो वो दोस्तों कहलाती है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन की गति को मापने का उपकरण कौन सा है? दोस्तों पवन की गति को मापने का उपकरण है एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वह कौन सा अंग होता है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है? तो दोस्तों वो है हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दोस्तों फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो दोस्तों आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न के कार्यक्रम किन तरंगों द्वारा दिखाए जाते हैं? तो दोस्तों वो है रेडियो तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति शतक के रचनाकार कौन थे? दोस्तों नीति शतक के रचनाकार भर्तृहरि थे। भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों का आयोजन कौन करता है? तो दोस्तों एशियाई खेलों का आयोजन OCA करता है, यानी कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगेश्वर दत्त किस खेल में से संबंधित हैं? दोस्तों योगेश्वर दत्त कुश्ती से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो दोस्तों शिवाजी स्टेडियम में हॉकी खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोबे शब्द का विलोम क्या है? तो दोस्तों सोबे शब्द का विलोम है उग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडोला पर्यायवाची शब्द है, यानी कि विडोला किस शब्द का पर्यायवाची है? वो है दोस्तों इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं युधिष्ठिर, यानी कि दोस्तों ये वन वर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाटक यानी कि कलाकार
संगीत समारोह। तो संगीत समारोह किससे संबंधित है? तो दोस्तों संगीत समारोह है संगीतज्ञ से। कर्पट का तद्भव रूप कौन सा है? तो कर्पट का तद्भव रूप है दोस्तों कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके सिर पर चंदर हो के लिए उपयुक्त शब्द है? दोस्तों ये भी वन वर्ड का क्वेश्चन है, जिसके सिर पर चंदर हो उसे कहते हैं चंद्रशेखर। दोस्तों मूर्तिकार का संबंध होता है मूर्ति से। तो कवि का संबंध किससे होता है? तो दोस्तों कवि का संबंध होता है कविता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? तो दोस्तों वो होता है ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? दोस्तों वो होती है HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DTH सेवा का आरंभ वर्ष कौन सा है? तो दोस्तों वो है 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है? दोस्तों वो है 42.195 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटे उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? तो वो है दोस्तों गोल्डन गर्ल।